अगर मैं आपसे कहूं कि आप मैसेज पैकेज के बगैर किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हो तो यकीनन आप लोग मुझे पागल कहेंगे। बट भाई चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। सो शिफ्ट टू मोबाइल स्क्रीन। तो यहां पर हमारे मोबाइल के अंदर जो भी मैसेज वाली एप्लीकेशन होती है सिंपली हम उसे कर लेते हैं ओपन। तो गाइस लाइव प्रूफ के लिए ऊपर आप देख सकते हो कि इस मोबाइल में एरोप्लेन मोड ऑन है, ठीक है। अब इससे मैं अपने दूसरे मोबाइल में कोई भी मैसेज सेंड करता हूं और यहां पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि कैसे हम मैसेज पैकेज के बगैर चैट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर चैट लिखा, मैंने इसको सेंड कर दिया। अभी यहां पर देखें सेंड हो गया है। अब देखते हैं दूसरे मोबाइल में ये हमें रिसीव होता है कितनी देर में। तो गाइज ऊपर आप देख सकते हैं कि चैट का मैसेज हमें यहाँ पर रिसीव हो चुका है, ठीक है। अगेन मैं कोई मैसेज करता हूँ जैसे कि हाय, मैंने सेंड कर दिया है, अभी सेंडिंग हो रहा है, ये सेंड हो गया और ये हमें दूसरे मोबाइल में मिल गया है, ठीक है। गाइस तो अब बात करते हैं कि ये मैंने कौन सी सेटिंग इस एप्लीकेशन में की है कि हम बगैर मैसेज पैकेज के भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने मैसेज सेटिंग में चला जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चैट फीचर का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हो कनेक्टेड। यहाँ पर चैट करने के लिए जहाँ पर आपके पास ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आपके पास मैसेज पैकेज नहीं है, आपके पास नेट पैकेज है, तो आप यहाँ पर चैट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और बात आपको इसकी बता दूँ, दो फीचर्स हैं बेसिकली, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कीबोर्ड को ओपन किया है, मैंने यहाँ पर हाई लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखें हाई के नीचे ना कुछ टाइपिंग जैसा आ रहा है कि नेक्स्ट बंदा जो है ना वो टाइप कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आपको हाइड करना है तो इसको आप कैसे हाइड करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको बैक जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जनरल सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपने चैट फीचर में चला जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक इंडिकेटर मिल जाता है हमें, शो टाइपिंग इंडिकेटर, इसको आपने सिंपली ऑफ कर देना है। तो इसके ऊपर एक हमें ऑप्शन मिल जाता है सेंड रीड रिसिप्ट्स का, ठीक है। ये बहुत कमाल का फीचर है। भी आपको कोई दोस्त फॉर एग्जांपल मैसेज करता है और आप उसको रीड करते हो तो उस दोस्त के पास एक स्टेटस चला जाता है कि भाई तेरे दोस्त ने मैसेज को रीड कर लिया है। तो उसको अगर आप हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं मैसेज को रीड कर लूं बट मेरे दोस्त को पता भी ना चले, तो आपने सिंपली इसको भी यहाँ पर ऑफ कर देना, ठीक है। यार कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग